स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हार पिपलिया से आज ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में क्लास 9 इंग्लिश मीडियम के मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 सेट्स का 2.3 एक्सरसाइज लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में सेट्स यूनियन सेट्स के बारे में पढ़ा था। यूनियन सेट्स का मतलब होता है यानी दोनों ए एंड बी के कॉमन जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम यूनियन कहते हैं। और यूनियन का जस्ट अपोजिट इंटरसेक्शन है। अब हम इसे समझते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, यानी ए और बी दो सेट्स होते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज ए सेट हूज ईच एलिमेंट्स इज एन एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज बी। यानी ए और बी दो सेट्स होते हैं, तो जो इंटरसेक्शन होता है ए और बी का, तो वो एक सेट होता है। ईच एलिमेंट्स इज एन एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज बी, यानी उसका जो ए और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जब हम तैयार करते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स आता है वो ए में भी होता है और बी में भी होता है, यानी कॉमन होता है। फॉर यह समझने के लिए द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स फॉर ए एंड बी। यहां क्लियर हो गया कि इंटरसेक्शन वही है जो कॉमन एलिमेंट्स है ए का भी और बी का भी, यानी ए में भी होगा और बी में भी होगा। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड एज ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब यूनियन का मतलब यू, और इंटरसेक्शन का मतलब उल्टा यू, यानी यू को हम आपको उल्टा कर दें तो इंटरसेक्शन बन जाता है। ये इंटरसेक्शन का साइन है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है? एक्स इज़, एक्स जो है वो एलिमेंट है ए का, एक्स एलिमेंट है ए का एंड एक्स एलिमेंट है बी का, यानी जो एक्स है वो ए का भी एलिमेंट है और एक्स जो है वो बी का भी एलिमेंट है। फिर से समझ लेते हैं कि ए, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यानी हमको ए इंटरसेक्शन बी यदि फाइंड करना है तो हम इसको बी जो पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, अगर यहां बी है तो बी इंटरसेक्शन ए। एक्स जो है वो एक्स जो है एलिमेंट है ए का और एक्स ही एलिमेंट है बी का, यानी ए में भी है और बी में भी है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। दिया है हम लोगों को, दिया है ए इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4, बी के इक्वल दिया 1 4 5 6। अब हमको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1 इसमें है 1 इसमें है, तो हमारा एक एलिमेंट्स आ गया। 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है, यानी 4 जो है 1 और 4 दोनों में, इसमें 2 और 3 एक्स्ट्रा है और इसमें 5 और 6 एक्स्ट्रा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको लिखना है केवल 1 एंड 4, यानी अब हो गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 4। ये सेट बन गया, ए इंटरसेक्शन बी का सेट होगा 1 एंड 4, यानी ये दो एलिमेंट्स हैं एक और चार, ये दोनों यानी ए में भी है और बी में भी है। एग्जांपल दूसरी देखते हैं इसी तरह, ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी के इक्वल दिया है 5 6 7। अब देखिए यहां 4 तक है और यहां 5 6 7 है, कोई नहीं मिलता। अब ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू
नहीं कुछ नहीं, और इसका साइन हम आपको बता ही चुके, इसको हम यो लिख देंगे बस। एग्जाम्पल थ्री, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 ए बी। अब देखिए इसमें 1 2 3 उसमें 3 ए बी कॉमन क्या है, दोनों में 3, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।